अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक हो गए। यार आज का दिन बहुत खूबसूरत है, तो आज जुम्मे है तो आपका भाई फ्रेश फ्रेश हो चुका है, बस जुम्मे के लिए निकलते हैं। जी गाइस, आपके भाई ने जुम्मा पढ़ लिया है, तो अब खाना शाना ले आए। भूख बड़ी जोर की लगी हुई है यार, क्या ये है कि मिलते हैं। हाँ जी, आपके भाई ने जुम्मा पढ़ लिया, खाना शाना खा लिया है। तो आपको पता है आपका भाई शॉपिंग की थी, सूट लेके आया था, दर्जी को सूट दे आए। तो दर्जी को फ़ोन किया, वो कहता मैं दुकान पे उसे सूट दे आए, तो सूट दे के आपको मिलते हैं। जी गाइस, इस मौसम की पहली भिंडियाँ बन रही है, तो वाइफ मेरी भिंडियाँ बना रही है। भिंडियाँ मुझे बहुत पसंद है, तो वाइफ मेरी भिंडियाँ बना रही है, तो देखते हैं। हाँ जी, भिंडियाँ बना रहे हो, क्या बात है जी। ये रूश फातमा, रूश फातमा, रूश इधर देखो बेटे। भिंडी तो बन चुकी है, लेकिन आपका भाई ये एक स्पेशल डिश बनाने लगा है, चिकन पकौड़ा। तो आपको इसकी रेसिपी बताते हैं। ये 3 पाव बोनलेस चिकन है, और साथ में 1/2 स्पून ये हमने काली मिर्च लिया है, 1 स्पून हमने दरा मिर्च लिया है, और 1 तो अपने हिसाब से ब्लैक वाइट पेपर, नमक अपने हिसाब से, लाल कश्मीरी मिर्च लिया है हमने 1/2 से थोड़ा सा कम स्पून ये कश्मीरी मिर्च, और 1 चम्मच अदरक लहसुन का लिया है, 1 एग लिया है, और 2 अदद नींबू के लिए हैं। तो अब ये आपका भाई मैरिनेट करता है। ये गाइस चिकन लिया है हमने, चिकन आ गया गाइस, और ये मसाले आ गए हैं, तो ये एग आ गया, एग आ गया, ये लेमन आ गया गाइस, ये अदरक लहसुन आ गया, और क्या कहते हैं ये गाइस, ये 2 चम्मच बेसन के, चलो अब इसको मिक्स करते हैं। ये आपकी आपके भाई की स्पेशल डिश है, इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम रख देंगे। जी गाइस, घी गर्म हो चुका है, तो अब आपका भाई इसको 15 से 20 मिनट आपने मैरिनेट के लिए रखना है इसे, तो वो हो गए हैं। तो अब आपका भाई डालने लगा है, ये फुल स्पाइसी चिकन पकौड़ा। जी गाइस, ये फ्राई हो रहा है, तो यकीन करें आप भी ट्राई करना, बड़ा मज़ा आएगा आपको ये खाने का। और थोड़ी तेज कर दूं, जी गाइस आपके भाई ने ये बना लिया है, तो ये देखिए इसका कलर, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि किस तरह का लगा आपको। कहिए कि आपको खा के चेक करके बताते हैं। सो गाइस, खाना शाना खा लिया था, घर वालों को खाना बहुत पसंद आया था, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा हो गया था। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।